अगर मगर की तलाश में है, ये खुद अपनी तलाश में है, खुद को ढूंढने का प्रयास कर रहा है ये बल्लेबाज, ये महान खिलाड़ी जसीम रहमान। घुटना टेका था लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बैट और बॉल पर, नॉन स्ट्राइक पर उन्हीं के सलामी जोड़ी बल्लेबाज बबलू, मैसिक्स की जर्सी पहने हुए हैं गोपाल। ओके, एक और बार प्रयास, एक अच्छा शॉट का प्रयास, उसी के साथ एक खूबसूरत सी फील्डिंग। जसीम रहमान फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा और फिर देख आज होता है क्या। इस खूबसूरत से मैदान में रामपुर हाट सुपर कप सीजन 3, जसीम रहमान का ये कैमरे शॉट, भाई साहब क्या शॉट जड़ा बल्लेबाज ने। जसीम रहमान इज वन मोर टाइम इज ऑन स्ट्राइक, he played the sweep shot but the ball cut through the mid wicket, now it's a dot ball, another dot ball from the bowler, the first over is completed now, I think the Gopal hai ballebazi par, wo men in black the in day time aur night mein Mavericks ki jersey pehne, acha look up। ये देखिए भाई साहब लेग स्टंप की गेंद ने थोड़ा सा मिजाज बदला है अपना, नहीं पढ़ पाए थे ये गोपाल। केटीएम लवर्स टीम का नाम है इनका, क्राफ्ट हर्ज्यूस ट्रंक एंड पल्स मोटोरेंट का ये खूबसूरत सा शॉट क्या जड़ा है गोपाल जी ने। अच्छा शॉट, वन टैप शॉट दिया है दादा, ये वन टैप हेड शॉट देखा होगा आपने फ्री फायर में, लेकिन आज ये शॉट टाइम के टूर्नामेंट में वन टैप बाउंड्री शॉट फ्रॉम द बैक फ्रॉम द गोपाल द मैन इन ब्लैक। बट से पड़ेगा दादा, इसके पक्ष में जाएगा ये शॉट, लेकिन गेंद दादा मुरलीधरन की तरह स्पिन हो रही है यार, एज लगा है क्या, कैच छूटेगा क्या, कैच छोड़ा है दादा और उससे गोपाल का कैच छोड़ा है। कुछ देर पहले बोल रहे थे सुरजीत दा गर्लफ्रेंड छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए, लेकिन दादा वाइटल मैच का कैच मत छोड़िए, जी हाँ भारी पड़ने वाला है। एक और बार कंगारू जम के तरह मैसिक्स में जड़ा है गोपाल, अच्छा दोनों की सलामी बल्लेबाजी करते हुए, एक तरफ जसीम रहमान, अभी नाम तो सुना ही होगा दादा जसीम रहमान। भाई साहब काफी जोर से बल्ला घुमा रहे हैं ये, और विकेट कीपर उस्मान जी भी काफी दूर हैं। एक और बार घुटना टेका था, वन मोर टाइम, क्या विकेट आया है क्या अंपायर साहब, जी हाँ ये विकेट नहीं दादा, ये काफी बड़ा विकेट है, ये विकेट का पतन होता हुआ जसीम रहमान को डगआउट भेजा है। द न्यू बैट्समैन इज ऑन स्ट्राइक, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैट्समैन, ऋतिक, क्या रन आउट होंगे क्या, काफी जोर से स्प्रिंटर की तरह दोनों बल्लेबाज दौड़े थे,
इसी के साथ एक कंप्लीटेड रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होना चाहिए, एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा आप दोनों बल्लेबाज को, क्योंकि छोर बदलने से काफी प्रेशर कम होता है। उससे गोपाल अब तक खड़े हैं, ये रख रहे हैं दादा, ये शरीर में गेंद को रख रहे हैं। ये आरजे इंद्रो, उस दिन पहले उनका स्लिप पे वो गजब का डाइव वाला फील्डिंग देखा था, चोटी लुए थे वो, आज भी उनको फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, आरजे इंद्रो अच्छा लग रहा है, काफी ग्लैमरस टूर्नामेंट। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा परेशान करेंगे ये फील्डर्सों को। और बार बल्ले से एक अच्छी साउंड आई थी लेकिन सीधा क्षेत्र रक्षण। इसी के साथ केटीएम लवर्स के रन संख्या 18 गेंदों पर 18 रन ही है दादा, 3 ओवर के समाप्ति पर 18 रन, द लॉस ऑफ 1 विकेट। टू बॉलर फ्रॉम द बॉलिंग एंड, बैट्समैन गोपाल, बल्ले का जो शफल था ना, हाई शफल बैट था ये, उसी के साथ एक अच्छा पुल शॉट बोल सकते हैं इसको आप, लेकिन पुल तो नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड का पुल शॉट है, ये वन टैप शॉट है। वन मोर टाइम फ्रॉम गोपाल के बल्ले से, लेकिन उन्हीं के सलामी बल्लेबाज, उन्हीं के अच्छे मित्र गोपाल इज ऑन स्ट्राइक है अब तक। ये देखिए भाई साहब, ये अच्छा फील्डिंग है, ये फ्लाइट मोड पर गए थे दादा, ये कौन है, पूछू ये उड़ता पूछू है दादा, उड़ता पंजाब सुना होगा आपने, लेकिन आज हमने इस मैन को देख लिया, उड़ता पूछू, एक गजब का एक क्षेत्र रक्षण, रन बचा अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट है, काफी दूर खड़े थे वो, एकदम मिडाउन की दिशा में गैप में धकेला था गेंद को। और जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास किया था, लेकिन सीधा आरजे इंद्रो के पास बॉल, 17 नंबर जर्सी, भाई साहब जर्सी नंबर तो 17 है, और बंदा खतरा खेलता भी है ये देखिए, थ्रू द कवर्स इनटू द फैंस, गन्स लाइक अ ट्रेसर बुलेट, जी हाँ गोपाल के बल्ले से। भाई साहब ये बाउंड्री भी खुद मार रहे हैं, सेलिब्रेशन भी खुद कर रहे हैं, अच्छा लगा इनका अंदाज देख के गोपाल जी। 4 ओवर के समाप्ति में रन संख्या 34 इन द लॉस ऑफ 1 विकेट। आपके लिप्स ड्राई है, वो सामने वो सामने चाहिए।
दो गेंदे कंप्लीटेड हो चुकी है, अंतिम चार गेंदे। बाहर से अपील मत कीजिए दादा प्लीज, दोनों दिग्गज ऑफिशियल्स हैं अभी हमारे बीच, बता देंगे क्या होने वाला है। अंपायर सर, व्हाट इज दिस? इट्स अ फेयर डिलीवरी। डिसीजन दादा कंप्लीट हो चुका, इट्स अ फेयर डिलीवरी। मैच को स्टार्ट कीजिए जल्द से जल्द। Please don't waste the time, Dada. Time is precious for all the peoples. ये देखिए भाई साहब क्या गेंद डाली है, चिनअप बॉल। थोड़ा सा गति से बीट आउट किया था गोपाल जी को, गोपाल जी नाखुश। स्टार्टिंग से खेलते हुए अब तक अंत तक टिके हुए हैं एकदम। क्या आएगा बापू जी इस गेंद पर? जी हाँ, आपका प्रेडिक्शन एकदम सच होता हुआ पापन शेख मैन फ्रॉम रामपुर हाट, इन्होंने कहा इस गेंद पर चौका पक्का है। जी हाँ, एकदम चौका है, पक्का एकदम।